नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश वेदर रिपोर्ट के अंदर। जानेंगे कि आज मौसम का हाल कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि अब मॉनसून तो जा चुका है, मॉनसून धीरे धीरे विदा हो चुका है भारत के अंदर से। लेकिन अब मॉनसून के विदा होते ही जो बारिश हुई है सर्दियों से पहले, हल्की हल्की धुंध आ गई है, ठंडक ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बुधवार को सुबह दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में थोड़ी देर के लिए हल्की धुंध छाई रही। इसके साथ ही अन्य दिनों की तुलना में ठंड का एहसास भी अधिक हुआ। माना जा रहा है कि ठंड और धुंध का दौर आगे भी जारी रहेगा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों के दौरान आसमान तो साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय थोड़ी धुंध छाई रहेगी। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों ने साफ हवा में ही सांस ली। सोमवार की तुलना में एयर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा जरूर, लेकिन रहा तब भी 100 से नीचे, यानी कि संतोषजनक श्रेणी में। दूसरी तरफ बारिश थमने के बाद दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी इजाफा देखने को मिला, लेकिन ठंडक फिर भी बरकरार रही। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को जहां दिल्ली सहित NCR के सभी शहरों का एयर इंडेक्स 50 से नीचे यानी अच्छी श्रेणी में था, वहीं मंगलवार को सभी जगह 50 से 100 के बीच दर्ज किया गया था। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से धूल और अन्य प्रदूषक तत्व फिलहाल दबे हुए हैं। वहीं सफर इंडिया का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 2 से 3 दिन हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में ही रह सकती है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को दिन भर मौसम साफ रहा और धूप भी खिली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 31.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 56 से 96% दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय धुंध होगी, अधिकतम तापमान 32 एवं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। तो ये था आज के मौसम का हाल। फिलहाल इस वेदर अपडेट में बस इतना ही, लेकिन अब हम जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स पर।